फरीदाबाद नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने और पूर्व में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर निगम के गेट पर पिछले 46 दिनों से सत्याग्रह और 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे बाबा राम केवल ने अनशन के 6वें दिन जीभ में सुआ डालकर मौन व्रत धारण कर लिया है। वहीं जीव को सुए से भेदने से पहले बाबा ने कहा कि सरकार बहरी हो गई है, उसे हमारी आवाज़ सुना ही नहीं दे रही, इसलिए वो मौन व्रत कर रहे हैं, शायद सरकार को उनकी पीड़ा दिखाई दे सके। साथ ही बाबा ने जीवा भेदने से पहले ये चेतावनी दी कि अब तक निगम के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ SIT गठन कर जांच नहीं हो जाती तब तक उनकी जीवा में ये सुअर नहीं निकलेगा, फिर चाहे इस मौन व्रत और आमरण अनशन के दौरान उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम सरकार ने उठाया नहीं और लगता भी नहीं है कि सरकार शायद अब तो गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है और शायद मुझे उम्मीद है कि आंखें होंगी तो यार देख सकते हैं, तो इसलिए अब चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो चुके हैं। आज 6ठा दिन है अनशन का और अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपनी जीभ का छेदन करके और मौन व्रत कर लूँगा, क्योंकि बोल बोल के अब सुनाई नहीं हो रही। शायद सरकार के पास आंखें हो देखने लायक कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं और प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में इनका सहयोग देना चाहते हैं। अगर ये नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, सिर्फ देख ले। और अब मैं अपनी जीभ पे ताला लगा के और जब तक SIT का गठन नहीं हो जाता तब तक इस ताले को लगा के रखूँगा, मौन रहूँगा, अब मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगा। निंदनीय रवैया है, आज तक कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। मैंने और बहुत सारे विभागों में काम किया है, हमने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर करे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि इंक्वायरी से मना कर दे डिपार्टमेंट। ये इंक्वायरी से हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप सच को सच कह दो, इंक्वायरी कर दो, आप इंक्वायरी से ही मना कर रहे हैं। SIT बिठाने के तो कह रहे हैं 45 दिन हो गए, 40 दिन हमने वेट किया पहले कि भाई प्रशासन मान जाए, फिर अनशन भी बैठे हैं। आज आपने देखा अभी इन्होंने जीवा भेज ली है हमारे बाबा राम के और अनशनकारी बाबा जी ने, तो प्रशासन का हमने ऐसा रवैया कभी भी नहीं देखा, इतना ढूलमूल रवैया कभी भी नहीं। मेरे को पहले कमिश्नर मैडम ने बुलाया था थोड़े दिन पहले, मैं और डॉक्टर परमदत्त जी पद्मश्री हैं मिलने गए थे मैडम से और कमिश्नर जो है सोनल गोयल मैडम से, तो मैडम कहती हैं कि भाई मैंने जो आपने जो डिमांड रखी थी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया सरकार को और मेरे हाथ में कुछ नहीं है।